तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक यात्रा चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं फिश मछली। तो दोस्तों, हम आपको मछली बनाना सिखाएंगे आज, और एकदम सरल तरीका से। ना ही किसी के आपको मदद लेना है, ना ही किसी से पूछना है, बस आप वीडियो को देखिए, आपको ऐसे ही बनाइए। दोस्तों, ये रही हमारी मछली, जो कि प्यासी मछली है सिंगल काटे की। और ये रहा दोस्तों हमारा धनिया प्याज, इसी में हम गिलास में ही फोनेंगे। ये रहा प्याज, और इसमें आदी, लहसुन, धनिया सब मिक्स करेंगे, और इसे हम अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद हम आगे दिखाएंगे आपको कैसे क्या किया जाता है। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, हम इसे खोल रहे हैं। इसे खोलने के बाद फिर आगे के स्टेप हम आपको बताते हैं। पहले हम इसे अच्छी तरह से खोल लेंगे। अभी देख सकते हैं, हमने पतीला रख के उसमें तेल डाल दिए हैं। अब मछली को फ्राई करेंगे। ये रही हमारी प्यासी मछली। और दोस्तों, पहले तेल को, मछली डालने से पहले तेल को एकदम हीट होने दो, एकदम लाल, नहीं तो अगर आप वैसे ही डालेंगे तो मछलियाँ टूट जाएंगी। तेल एकदम गर्म होगा तो आपकी एक भी मछली नहीं टूटेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने सारी मछलियाँ डाल दी। अब इसे हम फ्राई होने देते हैं। और दोस्तों, इधर हमारा जो पेस्ट था धनिया लहसुन प्याज का, ये सब हमने, और गरम मसाला, ये रहा हमारा गरम मसाला, और इसमें थोड़ा हल्दी और धनिया पाउडर सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में पड़ेगा इसमें। कोई भाई मसाला तेज़ खाते हैं तो अधिक भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी मछली हमारी पका नहीं है, तो अभी इसे नहीं निकालेंगे हम, नहीं तो टूट जाएगा। इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें इसे पक। तो दोस्तों, अभी हमने
मछली फ्राई करके निकाल चुके हैं और अब प्याज का तड़का मार रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले प्याज डालें, ये रही मछली, हमारी मछली थोड़ी टूट भी गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा पेस्ट मसाला तैयार है एकदम, और हम तड़का मार रहे हैं। तड़का मारने के बाद फिर यही मसाला इसमें डालेंगे। तो दोस्तों अब हम इसे मसाले को इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसे फिर 10 या 15 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे। तो दोस्तों मसाला पकाते वक्त आप स्टोव या गैस ज़्यादा फास्ट ना करें और धीमी आंच में पकने दें। तो दोस्तों अब इसमें डाल देंगे थोड़ा नमक। नमक क्या है दोस्तों, हमारी प्याज को जो हमने खुना था थोड़ा बड़ा होता है तो उसे गलाने में हमारी मदद करती है, और इससे पेस्ट बनेगा अच्छा। तो दोस्तों हमने नमक भी डाल दिया, मसाला भी डाल दिया, सब कुछ पड़ चुका है इसमें। अब इसे पकने दे, थोड़ा इसे ढक देते हैं। तब देख सकते हैं दोस्तों अभी हमारा कैसा पक रहा है। इसमें हम पानी डालेंगे, पक चुका है, आपको जितना पानी डालना है उतना ही डाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पानी पक चुका है, अब इसमें हम मछली डालेंगे। पानी पकने के बाद ही मछली डालें ताकि आपकी मछली टूटे ना। आप देख सकते हैं दोस्तों हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और फिर इसे हम ढक देंगे। अब इसे हम थोड़ा पकाएंगे जब तक हमारा तेल ऊपर ना आ जाए और मसाला महकने ना लगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पकने वाला है, अभी बलक रहा है, मतलब पक रहा है अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी मछली बन चुकी है, अब इसे हम खाएंगे। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।